ये सिर्फ नाम नहीं, ब्रांड है, ब्रांड। तो हेलो भाई लोग, स्वागत है आपका फ्री फायर से रिलेटेड एक और नई वीडियो में। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले कलहारी मैच कुछ हिडन प्लेसेस के बारे में। तो आपको पता है कि कलहारी में रैंक मैच में आ गया है, तो इसके हिडन प्लेस की थोड़ी जरूरत पड़ने वाली है जिन बंदों को रैंक पुश करना है। और वैसे भी नया मैप आया तो इसके ज़्यादा हिडन प्लेस लोगों को पता नहीं है, और क्या बोलते हैं इसके जो नाम वाम जगह के सबको याद नहीं। तो आज हम ढंग से बताएंगे कौन सी जगह पर कौन सा प्लेस है। वैसे तो हमने ज़्यादातर जो अपने जो क्या बोलते हैं हिडन प्लेस है वो हमने रेकेंडरी मैप में ढूंढे, क्योंकि वो एकदम सर मैप के एकदम बीच में बीच पड़ता है, और मैप के बीच में बीच पड़ता है वहाँ पे ज़्यादा सर्कल आते आता है। और जैसे मैं ये गेम खेला था ना, इसमें भी रेकेंडरी मैप में ही सर्कल आया जाता है। तो स्टार्ट करेंगे अपना पहला प्लेस बताने में। तो जो हमारा पहला प्लेस है रेकेंडरी मैप में ही है, जो आपको लॉन्च पैड दिख रहा है, इस लॉन्च पैड के पास आना है। लॉन्च पैड के साथ जो सीढ़ियाँ हैं अभी मैप में भी दिख रहा होगा, वो मैप में दिखा दिया रेकेंडरी मैप है। तो ये जो लॉन्च पैड है, लॉन्च पैड की जो सीढ़ियाँ हैं यहाँ पर आना है आपको, उसके ऊपर जंप करनी है सारी सीढ़ियों के ऊपर, और आराम से बैठ के ना साइड बाई साइड ऐसे करते जाना है। तो आगे आपको एक उस वो दिखेगा टूलिए, देखना आप वैसे करते जाना है, चलते जाना है जब तक ये नहीं आता। तो आपको बस यहाँ पर रुक जाना है। तो ये जो चीज़ है ये भी सॉलिड की नहीं बनी है, तो ये ऐसे थोड़ा इसके ये है कि आप इसके अंदर घुस सकते हो और आराम से बैठ के सर्वाइव कर सकते हो। अगर आपकी मतलब यहाँ पर उतरेगा आपको कोई प्लेयर वेयर मिल के और आपको रैंक पुश करनी है, और यहाँ पर आपको ज़्यादा सर्कल आता है, तो आप यहाँ पर आराम से बैठ के रैंक पुश कर सकते हो सोलो डुओ शॉट किसी में भी। तो आप यहाँ पर आराम से बैठ के गोलियाँ भी चला सकते हो अगर कोई बंदा आएगा तो। जिस बंदे को नहीं पता तो थोड़ा कन्फ्यूज रहेगा इस लोकेशन के लिए। तो गाइस लाइक करके जरूर बताना है कि लोकेशन कैसे लगी, और बढ़ते हैं अपनी नंबर टू की लोकेशन पे। तो गाइस हमारे नंबर टू लोकेशन है वो भी रेफेंड्री मैप में है। तो रेफेंड्री मैप में जहाँ पर हम पिछली बार लॉन्च पैड पर उतरे थे, आपको लॉन्च पैड के पास ही आना है, जहाँ पर सीढ़ी है, जहाँ पर हमने पहली लोकेशन गई थी वहीं पर ही आना है। तो जो आपको इस साइड, हाँ ये जो आपको टावर दिख रहा है, तो यहाँ पर है अगली लोकेशन हमारी, और ये है, ये देखो आपको लॉन्च पैड यूज़ करना है। लॉन्च पैड यूज़ करते यहाँ पर आपको एम करना है टावर के ऊपर, जिससे आप टावर के ऊपर चल जाए पूरा, आपको जब एम बैठ जाए तो आप लॉन्च पैड यूज़ कर लो। अब जहाँ मेरा एम बैठ गया मैं लॉन्च पैड यूज़ करूँगा, यहाँ लॉन्च पैड आप यूज़ करके इस टावर के ऊपर आ जाओगे। ये देखो यहाँ पर मतलब बहुत ऊँची लोकेशन है, यहाँ से आपको कोई बंदा नहीं मार सकता, और यहाँ पर आराम से आप सोलो स्क्वाड में आराम से अपना रैंक पुश कर सकते हो, और किसी बंदे को पता भी नहीं चलेगा आप कहाँ पर यहाँ पर हो। और अगर आप साइलेंसर लेकर आ गए गन में पूरी वैसे, तो आप यहाँ पर आओगे तो पूरी लूट वूट करके आना, क्योंकि यहाँ पर आप जैसे मतलब नीचे उतरोगे, मैं नीचे उतर के दिखाऊंगा, नीचे उतरोगे तो आपके खाली 10 FP बचेगी। तो आपको मतलब पूरी लूट वूट करके आनी, गन वन लेकर आना, मैडी वैडी लेकर आना, 3-4 मैडी वगैरह। तो जैसे आप नीचे उतरो मैडी वैडी मार के प्रोडक्ट अपने बंद कर लो। तो ये भी लोकेशन एक फेमस लोकेशन है, और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना, और हम 10K के बहुत ही पास हैं तो 10K के लिए पूरा सपोर्ट करना। तो आई होप आपको ये लोकेशन पसंद आई होगी। देखो मैं नीचे उतरा हूँ, आप मेरी पावर देखना, ये देखो 10 पावर रह गई मेरी पास। तो गाइस अब बढ़ते हैं अपनी अगली लोकेशन नंबर 3 लोकेशन पे। तो गाइस जो हमारी नंबर 3 लोकेशन है वो भी हमारे रेफेंड्री मैप में, ज़्यादातर हमने जो लोकेशन ढूंढी है वो रेफेंड्री मैप में ढूंढी है, क्योंकि एकदम वो सर्कल के बीच है, मैप के एकदम बीच में बीच है, और वहाँ पर जोन ज़्यादातर आता ही आता है। तो आपको मतलब एक लोकेशन या दो लोकेशन या तीन या चार लोकेशन आपको तैयार रखना है मैप में, कि अगर एक जगह जोन नहीं आता दूसरी जगह लोकेशन जाके बैठ जाओ। तो ये जो आपको पोल दिख रहा है आपको इसके यहाँ पर आना है, तो इस पोल के पीछे बैठना है। ये देखो यहाँ पर आपकी लोकेशन है, इस पोल के पीछे बैठना, तो यहाँ पर आपको कोई नहीं मार सकता। और ये पोल कहाँ है, जो ब्रिज है, ब्रिज के नीचे वाली साइड है ये पोल दोनों सेकेंडरी मैप में। आपको यहाँ पर आके बैठना हो, यहाँ पर आके आराम से चुप सकते हो, और कोई बंदा है तो आपका एडवांटेज आप उसे मार सकते हो। तो गाइस ये भी एकदम ओपी लोकेशन है। तो आप बात करते हैं अपनी नंबर 4th लोकेशन पे। तो जो हमारे नंबर 4th लोकेशन है तो आपको थोड़ा हंसी आएगी, तो नंबर 4th भी लोकेशन जो हमारी है वो भी हमारे रेफेंड्री मैप में है, जो ब्रिज है, इस ब्रिज के नीचे वो 2 पोल है जो आपको जहाँ पर हम पहले छुपे थे, और इसी ब्रिज के नीचे एक और जगह है जहाँ पर आप छुप सकते हो। अगर यहाँ पर वहाँ पर जोन नहीं है तो आप यहाँ पर आकर छुप सकते हो। मतलब रेफेंड्री मैप में 3-4 लोकेशन आपको ऐसे बता दिए जहाँ पर आप आराम बैठ के आराम से रैंक पुश कर सकते हो। और अगर वीडियो पसंद आए तो वैसे लाइक बड़े जरूर करना, क्योंकि प्लेस ढूंढने में बड़ी मेहनत लगती है, और वीडियो फिर बनाने में, तो लाइक जरूर करना और कमेंट जरूर करना। और कुछ भी डाउट वगैरह लोकेशन के लिए कुछ भी आपको पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, आपको 6 रिप्लाई मिल जाएगा साथ ही साथ। तो गाइस ये इसको आपको पुल के नीचे आ जाना है। तो पुल के नीचे जो पत्थर है आपको यहाँ पर लेटने की कोशिश करनी है, यहाँ पर आप लेट जाओगे तो लेटते यहाँ पर जो साइड पे पत्थर है ना यहाँ पर आ जाना है आपको। और यहाँ पर आप आ जाओगे तो आप लूट वूट करके और आराम से आप सर्वाइव कर सकते हो। ये देखो अब आपको कोई नहीं मार सकता यहाँ पर, बस जो आप आराम से छुप सकते हो। अब बात करेंगे हमारी नंबर 5th लोकेशन पर।
तो गाइज हमारे नंबर 5th लोकेशन है वो रेफिनरी मैप में नहीं है, तो रेफिनरी मैप के अलावा जो मनमोहत करके जगह है, नाम मुझे याद नहीं है जगह का नाम, मनमोहत करके आपको मैप में दिखा रहा हूँ, मिनी मैप में जो मैप के साइड पड़ती है, मनमोहत करके नाम का जगह है वहाँ पर है, जहाँ पे कंकाल सा है, जहाँ पे हमारा क्लैश स्काउट का मैच भी होते हैं। आपको ये लोकेशन याद ही होगी क्योंकि यहाँ पर क्लैश स्काउट के हम मैच भी लड़ते हैं क्लारी मैप में। तो ये जो पत्थर सा है ना, इसके पीछे जो गुफा से दिख रही है आपको, इसके अंदर आके बैठना है आपको। ये देखो, इसके अंदर आप जैसे आके बैठोगे ना, तो आपको बंदा कोई देख नहीं पाएगा और कोई बंदा मार नहीं पाएगा। तो यहाँ पर आप बैठ के आराम से सर्वाइव कर सकते हो, और अगर कोई बंदा आता है तो उसे बाहर निकल के आराम से मार सकते हो। आप यहाँ पर सोलो में तो आराम से, सोलो के लिए बेस्ट लोकेशन है जहाँ पर आप आराम से बैठ के कर सकते हो। और गाइस अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, कमेंट जरूर करना, और बताना आपको वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।